बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटर के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। कई बड़े खिलाड़ियों का ग्रेड कम कर दिया गया है और कई खिलाड़ियों का ग्रेड बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ए प्लस ग्रेड वालों की, जिसमें खिलाड़ियों को पूरे साल का 7 करोड़ मिलते हैं। प्लस ए ग्रेड में अभी तक 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। पिछली बार जो थे विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इस बार भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ही रहेंगे जिन्हें पूरे साल का बीसीसीआई की तरफ से 7 करोड़ मिलते हैं। इसके बाद आता है ए ग्रेड, जिसमें पूरे साल का 5 करोड़ मिलता है। पिछली बार इस ग्रेड में 10 खिलाड़ी मौजूद थे, इस बार सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं, यानी कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का डिमोशन हुआ है। उन्हें ए ग्रेड से हटाकर बी ग्रेड में कर दिया गया है। इस बार जो ए ग्रेड में है रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत, जबकि वहीं बी ग्रेड में वालों को पूरे साल का 3 करोड़ मिलता है। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, सुरेश अय्यर, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा। इसके बाद आता है सी ग्रेड, जिसमें खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ मिलता है। सी ग्रेड में इस बार मौजूद हैं शिखर धवन, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, सुमंगल गिल, हनुमा विहारी, युजवेंद्र चहल, सूर्य कुमार यादव, रिद्धिमान शाह और मयंक अग्रवाल। वहीं कुलदीप यादव और नवदीप सैनी दोनों को इस बार के ग्रेड से हटा दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आपको मिल सके।